हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स में। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक एबीवाई पे प्रोग्राम के बारे में, जिसका कि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके एग्जाम्स के जितके भी जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया था अप्रॉक्स फरवरी से लेके अभी तक, जिन्होंने लास्ट डेट तक अप्लाई किया है उनकी नोटिफिकेशन ईमेल पे आ चुकी होगी। तो प्लीज आप वहां से जाके अपने प्लीज आप अपने ईमेल को चेक करें ताकि आपके एग्जाम छूट ना जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आराम से आप एग्जाम दे सको, कोई भी आपकी एग्जाम छूटने जैसे प्रॉब्लम आप फेस ना कर पाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ एकदम से बनाया जाए और आपको एकदम से अवेयर करवाया जाए कि आप प्लीज अपने एग्जाम को ना छोड़ें और आप हमेशा अपने मेल्स को चेक करते रहें। आपके एग्जाम्स आई थिंक 4 सितंबर को लेके 5 सितंबर दोनों के बीच में आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। तो आप अपने मेल पे चेक करें और आपको मेल कुछ इस तरह की आ रही होगी, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो कि आपकी ऐसे ही मेल आई होगी। तो आप प्लीज अपना जाके मेल चेक करो और देखो कि आप देख सकते हो किन्होंने मुझे भेजा है जिनके एग्जाम 4 सितंबर को है और बहुतों की एग्जाम 5 सितंबर को भी होने वाली है। तो प्लीज आप अवेयर हो जाओ और जाके देखो। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप कहीं अपने एग्जाम को मिस ना कर दो। तो चलिए, मैं इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन देने आई थी कि आप प्लीज एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करो और जिनके भी 4 सितंबर को या 5 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है वो आराम से आप लोग दे सको। तो मैं आपके साथ कुछ बताने आई थी कि आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में सोचा मैंने कि क्यों ना आपको थोड़ा एक बार से अवेयर करवा दिया जाए। तो आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे कि आपकी जो एग्जाम है वो 4 पार्ट्स में होने वाली है। जैसे कि पहला आपका रीजनिंग होने वाला है जिसमें कि आपको 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 14 मिनट्स होने वाले हैं यहाँ पे। एंड देन सेकंड जो आपकी मैथ्स की एग्जाम होने वाली है उसमें आपके 14 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स के टाइम आपको दिए जाएंगे। एंड थर्ड जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे वो है इंग्लिश की एग्जाम, एंड उसके लिए आपको 22 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 18 मिनट्स आपके पास टाइम होने वाला है। एंड फोर्थ जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट होने वाला है उसमें आपको 24 क्वेश्चंस होंगे और 8 मिनट्स होंगे। तो आपको टोटल 60 मिनट्स लेके आपको टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। और मैं बता दूं कि आप प्लीज इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना होगा। तो आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है, तो प्लीज आप इसकी ध्यान जरूर से रखें। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जैसा कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप रीजनिंग ये सब में आप जो भी इसमें क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लीज अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करके जाना। और यहाँ पे आपको सारी मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे एग्जाम के पैटर्न है, आप देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन दी। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपके बिल्कुल आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आप अपने कोई हार्ड अपने वर्क को कुछ कर रहे हो, आपकी कोई ऑफिस की वर्क आप कर रहे हो और आप बहुत अभी प्रेशर में हो और आपको कोई फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चलो पार्टी करने चलते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। जैसे कि ऑप्शंस आपके हो सकते हैं स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, यस हो सकता है कि अग्री हैं आप कि नहीं है, कि आप डिनाई करते हो, इस तरह के आपको 5 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको इजीली इसको चुनना है, तो इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपका बस सेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप उसे कैसे आप उसके साथ आप डील कर रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो पक्का से लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी तक आपने अगर मेरे बेल आइकन पे जाके ऑल पे सेलेक्ट नहीं किया तो प्लीज जाके कर दो, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो प्लीज आप जाके अभी से भी, अगर आप कोई मिस कर रहे हो, किन्हीं को याद नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा भी है, तो प्लीज आप वहां से जाके आप एग्जाम को आप देख लो कि आपकी किस डेट में एग्जाम होने वाली है। तो प्लीज आप आराम से इसे देख लो और जैसा कि आपको जैसा बोला जाता है स्लॉट बुक करने बोला जाता है, स्लॉट बुक कर लो, आप एग्जाम दो। और ये एग्जाम आपके घर से ही होने वाला है, तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखें। और एग्जाम जो आपका होने वाला है वो लैपटॉप पे भी आप देख सकते हो और अपने आप मोबाइल से भी दे सकते हो, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्लीज वहां पे किसी तरह का नॉइज ना हो जब आप एग्जाम देने के लिए बैठते हो।
तो प्लीज आप ये सब सारी बातों का ध्यान रखें। और अगर मोबाइल से आप दे रहे हो या लैपटॉप से दे रहे हो तो आपका वेबकैम एकदम से ऑन होना चाहिए। और एक और बात मैं बता दूं कि किसी तरह की वहां पे चीटिंग की गुंजाइश नहीं है, तो प्लीज आप ऐसा ना करें, नहीं तो आपको परमानेंटली आपको एग्जाम देने से आपके एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करने की सोचें। और मैं बता दूं कि आप जब मैं आपको बता दूं कि आप जब अगर मोबाइल से जाते हो तो प्लीज अपने मोबाइल पे आप बैक मत करो अपने, क्योंकि अगर आप बैक करके दूसरे ब्राउजर को ओपन करने की कोशिश करते हो तो उस समय भी आपके एग्जाम्स को कट कर दिए जाते हैं। तो प्लीज इन सारी बातों का आप ध्यान रखें बिल्कुल से, और आराम से एग्जाम दो, और ऑल द बेस्ट। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।